आखिर ट्विटर पर हैशटैग जस्टिस फॉर शिवम क्यों ट्रेंड हो रहा है और शिवम शुक्ला आखिर कौन है, उसके साथ आखिर क्या हुआ था और कई सवाल हैं जो आज के सेगमेंट में हम जानने वाले हैं। सो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा शायद कि खारगोन जिले में रामनवमी के त्योहार के दिन हुई वॉयलेंस का ये 16 साल का बच्चा शिकार हो गया और घायल हुए शिवम शुक्ला को 4 दिन बीत जाने के बाद भी होश नहीं आया है। जहां ये अटैक कुछ इस्लामिस्ट के साइड से 10 अप्रैल को किया गया था उन लोगों पर, एक्चुअली हिंदुओं पर जो रामनवमी सेलिब्रेट कर रहे थे, उन पर पत्थर, स्टोन से और पेट्रोल बॉम्ब से हमला किया गया। सैड बट ट्रू। जब मैं आपको बता दूं कि शिवम जिस दिन गंभीर रूप से घायल हुआ था उस दिन से वह इंदौर के एक निजी यानी प्राइवेट अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और इस मासूम बच्चे के सर पर गंभीर चोट भी आई थी जिसके चलते बच्चे की स्थिति बेहद खराब हो गई है और डॉक्टर्स ने उसे वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड दैट डे एंड हु इज शिवम शुक्ला, डिटेल्स में जाने से पहले नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। वेलकम बैक टू चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव उन्हें भी प्लीज शेयर करें, थैंक यू। सो मैं आपको बता दूं कि रामनवमी के दिन शिवम पर हमला हुआ था जहां उस पर पत्थर बरसाए गए थे जिससे वह गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। गंभीर चोट की वजह से सिर में उसके होल तक हो गया था और बाकी और भी इंजरीज हुई थी जिसका डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर दिया है। जो डॉक्टर्स ने बताया है कि शिवम की हालत में सुधार तो देखने को मिल रहा है, जी हाँ, लेकिन बीते 38 आवर्स से उसे होश नहीं आया है। पहले तो इस क्लिप पर प्लीज नजर डालें। Let me tell you कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने CHL अस्पताल जाकर शिवम शुक्ला का हालचाल भी जाना। मनीष सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि शिवम का बेहतर से बेहतर इलाज करवाया जाएगा जिसका खर्चा पूरी तरीके से सरकार उठाने वाली है। खबरें सामने आई है कि शिवम के इलाज में अब तक लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। कुछ सामाजिक संगठन और हिंदू संगठनों ने मिलकर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान भी की है ताकि शिवम का अच्छे से इलाज हो सके। जहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 17 अप्रैल, जी हां 17 अप्रैल 2022 यानी इसी साल अप्रैल में शिवम की बहन की शादी होनी थी लेकिन शिवम की नाजुक स्थिति को देखते हुए परिवार ने फैसला लिया है कि वह अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करेंगे, यानी शादी की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि शिवम शुक्ला की बहन की शादी के कार्ड बांटे जा चुके थे। शिवम शुक्ला घास जिले का रहने वाला है और उसकी बहन की शादी गुजरात में हो रही थी। जाहिर है कि अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ट्विटर पर हैशटैग जस्टिस फॉर शिवम क्यों ट्रेंड हो रहा है। जब आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हिंदू संगठन समेत देश के लोग शिवम शुक्ला के इंसाफ की मांग कर रहे हैं और अपराधियों पर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर शिवम शुक्ला के लिए दिलो जान से दुआ की जा रही है कि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हम DNP इंडिया भी उम्मीद करते हैं कि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। शिवम शुक्ला को इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को प्लीज मैं आपसे एक हार्ट फेल रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि शिवम की स्टोरी आपके सामने और बाकी लोगों के सामने, बाकी सिटीजन के सामने भी सामने आए। वेल द गवर्नमेंट इज रेडी टू हेल्प शिवम बट डोंट यू थिंक डैमेज तो अब हो गया है, थिंक अबाउट इट। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का सेगमेंट पसंद आया देन प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP इंडिया और जैसे मैंने आपको बोला इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। थैंक यू, कीप लविंग अस, कीप शावरिंग लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग DNP इंडिया।